दोस्तों, तो स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें यूट्यूब में ट्रांसपोर्टर 275। तो आज हम यहाँ देख सकते हैं, मेरे पीछे सुनील है और ये भो का काम है, तो हम भो की ढुलाई कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये भर जा है और भर के हम उसमें डाल रहे हैं टोकरे में, बड़े बड़े खारा है, खारे बोलते हैं टोकरा को, बड़े बड़े, तो उसमें डाल रहे हैं। फिर उसमें डाल के हम आगे जो है सप्लाई कर रहे हैं आगे। और ये जितना भी भो है ये कणक से निकला है, देख सकते हैं आप। तो सुनील जी, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो क्या है ये, मतलब कितना भो निकला? 50 खारा, मतलब 50 बोरे निकल गए हैं। तो कितनी क्विंटल आपकी कणक निकली? 2 क्विंटल निकली, 7.5 क्विंटल निकली है। कोई नहीं, इधर 2 क्विंटल ही है। इधर कैसे 2 क्विंटल है? बाकी हमने भाड़ा दे रखा है। अच्छा, बाकी दे दिए आपने, बेच दिए। तो इधर आइए जरा, इस बोरे को उठाइए। यार टोकरे को नहीं उठा सकता मैं, पता है बिजुड़ी लगती है मैं टोकरे। इतनी बिजुड़ी है जो मैं आपको अच्छे से साबुन से नहलाऊंगा आज, और चिल्ड वाटर से। अगर ऐसा है तो हम उठाने के लिए तैयार हैं। और ये इसने भोका बोरा उठा लिया है और ये जा रहा है अब जहाँ हमने स्टोर करना है इसको। काफ़ी मेहनती लड़का ही है और इसने अपना यूट्यूब चैनल अच्छे से बनाया है। और मामा जी आ रहे हैं उनके, और सब्सक्राइब करना ना भूले इस ये चैनल को। तो ये देखिए, इसको बोलते हैं खारा, एक खारा, ये बड़ा टोकरा होता है, 3 टोकरे भी इसमें आ जाते हैं आराम से। और ये सुनील देखिए भर रहा है खारे को। तो ये काफ़ी बड़ा बहुत आई है, देखिए कितना फैलाव था इसका, इतना बड़ा फैलाव था। और ये सब ढोया हुआ है हमने, देख सकते हैं आप। अभी मैं आया हूँ अपने नान के, तो ये देखिए, ये है बारसुदाल दनेरा में, डिस्ट्रिक्ट पठानकोट है, पंजाब में पड़ता है। और वो देखिए आ रहे हैं हमारे बीच मामा जी, टोकरू लेके पौनी चढ़ रहा है इनसे, लगता है भूख लगी है मामा को। मामा जी, कैसा लग रहा है आपको वो उठा के? बहुत बढ़िया लग रहा है। कौन सा टोकरा उठाने वाले हैं आप? छोटा वाला? तो मामा ये तो आप अकेले भी उठा सकते हैं, इसमें हाथ लगाने की क्या जरूरत है? जरूरत है इसमें हाथ लगाने की? मतलब ये भर भर के डालने के लिए कह रहे हैं मामा। और ये अकेले उठा लेंगे क्योंकि बहुत बजरंग बली जैसा जोर आ चुका है इनके पास। और ये देखिए, एक ही हाथ से उठा लिया इतना बड़ा भो का टोकरा। और मामा को भूख भी बहुत जल्दी लगती है, छोटे छोटे भरो। बड़ा टोकरा छोरे करना, खिंचो बस, हो गया साइड। सुनील जी, क्या कर रहे हैं आप? चलो एक फिर आप सुनील लगाएगा, चलो उठा देता हूँ मैं। ना ना ना, ना हूँ तेरी बारी। इकट्ठा किया यार, एक तो उठा ले यार। इतने बार उठाए मैंने, कब उठाया? भर ही रहा है जब से, पूरा मैंने उठाया ये। इतना बड़ा भर दिया है, 50 खारे मैंने तो भरे ही इसमें। जल्दी आओ यार। नहीं नहीं यार, कोई शर्म नहीं होती है, आप दूध तो पीते हैं गाय का, जल्दी आओ। जब हम छोटे बच्चे थे तब पीते थे दूध, आप भी पीता यार, बनाना शेक पीता, तो इसी का गाय का दूध ही वो भी। चलो जल्दी आओ यार। यार समझा करो, एक तो आपको लगाना पड़ेगा, एक चक्कर तो लगाओ आप यार। लास्ट में मिट्टी ही मिट्टी। अच्छा ये वाला,
चलो कोई नहीं, उठा दे फिर। वो देखिए तो मामा आ रहे हैं बड़ा टोकरा लेके खारा का। ये देखिए कैसे आ रहे हैं, देखिए मामा से चार गुना टोकरा है। और ये रख रहे हैं नीचे, देखिए कितना बड़ा टोकरा। और ये टोकरा उठाएंगे अब, ये देखिए। और अभी जा रहे हैं ये स्टोर करने के लिए, एक छोटा सा स्टोर रूम बनाया हुआ है इधर। तो अभी हम भी एक एक ले जाते हैं स्टोर करने के लिए, क्या बोलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, चलें। तो उठा दीजिए मेरे को दोस्तों। अभी हम जा रहे हैं स्टोर रूम में, जहाँ पे इसको स्टोर किया जा रहा है। और साथ में पुलिस पीछे देखिए, सुनील भी आ रहा है। आइए सुनील, आइए। तो ये देखिए सामने सामने स्टोर रूम है, और यहाँ स्टोर कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे तालाब बनाया हुआ है, इसमें पानी भी है। तो हम पहुँचने वाले हैं, ये पहुँच गए हैं हम। अच्छा ऊपर ले जाना वहाँ, नहीं यार। तो मैं कोई रखना है? तो मैंने फेंक दिया, ये खाली हो गया, खाली वाला मैं ले गया हूँ। ऊपर तक स्टोर कर रहे हैं। और ये वो पूरा साल भर चलेगा हमारे पशुपालन पाल पशुओं के लिए। ये हैं बोरे, बड़े बड़े खा ले जाते हैं। ओ यस बिल्कुल। चलो चलो ना, अल और भी है वो। तो मामा कोई चक्कर नहीं है, थोड़ा और आइए है। अच्छा और समान भी रखना। मसे कोई यही यही बनाने इस बार, तीन चार ही बनाने। बड़ा वाला, बड़ा वाला आई जाना एक। तो बड़ा सीधा सीधा रखना पौना, तो फिर उल्टना अगे। ये है टोका मशीन, घास कुतरा जाता है पशुओं के लिए। और हम जा रहे हैं फिर से लाने के लिए। तो आज का ब्लॉग था मेरा भो पर, भो की ढुलाई करने पर। क्या आपने भी आपने आपके अपने नानकों में काम किया है, नानकों के घर में जाके? तो देखिए पंजाब में हूँ मैं अभी, तो नहरा में डिस्ट्रिक्ट पठानकोट। अभी हमारा भोग ख़त्म हो चुका है, थोड़ा सा बचा है। और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।